हेलो गाइस, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का क्लास 11, फिजिक्स का चैप्टर 2। तो इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला सेकंड चैप्टर आपका क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिट होता क्या है। तो यूनिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जी लेने, तो हम लोग क्या ऐसा तो नहीं बोलते कि एक पीस आलू दे दीजिए, दो पीस बैंगन दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं 1 केजी आलू दे दीजिए, 1 केजी बैंगन दे दीजिए, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये केजी क्या हो गया? केजी मीन्स हो गया आपका, ये आपका यूनिट है। और सेकेंड आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मीन्स होता है सिंपल नापना, किसी चीज़ को नापना मेजरमेंट कहलाता है। हम लोग पेट्रोल पंप जाते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं बोलते कि 4 बूंद पेट्रोल दे दीजिए, 8 बूंद दे दीजिए। हम लोग बोलते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल दे दीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोग का पहला टॉपिक है वो आपका फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली इट मीन्स दैट कि कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट या घटना, फिनोमेना जो भी होता है हमारे नेचर में, उसको जो हम लोग नाप सके ना, अगर हम लोग उसको मेजर कर पाते हैं, तो वो जो चीज़ होगा उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन्स हम लोग डेफिनेशन इसका देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एंड फिनोमिना इन द नेचर विच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिनोमिना यानी घटना जो नेचर में होती है, उसको अगर हम लोग नापते हैं, तो वो फिर फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। और इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, मीन्स ये जो होगा ना आपका, वो फिजिक्स का लॉ को फॉलो करेगा। फिर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ, अब लेंथ कैसे होगी आपका फिजिकल क्वांटिटीज? जैसे कि जब हम लोग बोलते हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई सर्टेन जगह ले लेते हैं कि मैं मेन रोड जा रहा हूँ, तो मेन रोड, तो वो घर से आपका मेन रोड जो है उसका कुछ समथिंग डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस या लेंथ को हम लोग क्या क्या में मापते हैं? मीटर में। तो लेंथ जो आपका हो गया वो फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, और जिसमें हम लोग उसको नापेंगे यानी जो उसका यूनिट होगा मीटर। तो मीटर आपका उसका क्या हो गया? यूनिट, जिसमें हम लोग नापते हैं। तो इसके आगे हम लोग गाइस देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होते कितने प्रकार के हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकेंड होता है आपका डिराइव क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो पहला आपका हो जाता है, पहला आपका हो जाता फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड आपका हो जाता है डिराइव क्वांटिटीज, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या तो फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइस हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। क्वांटिटीज विच आर एक्स विच आर एक्सप्रेस्ड सेपरेटली इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि जैसे कि क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड सेपरेटली इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जो खुद में उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग डायरेक्टली लेंथ को और फर्दर हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाता है, जैसे ये हो गया वॉल्यूम, सॉरी, ये आपका हो गया स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया? इसका आपका क्या हो गया? ये लेंथ हो गया, सॉरी, और ये इसका हो गया ब्रेड्थ। तो इसमें दो चीजें ना, लेकिन बेसिकली ये मिलकर क्या बना है? लेंथ से दो, इसमें दो लेंथ यूज हुआ है, इधर साइड से 1 लेंथ और इधर साइड से 1 लेंथ। तो लेंथ जो हो गया वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि लेंथ से ही ना मिलकर बना हुआ है। लेंथ को तो फर्दर हम लोग और नहीं बांट सकते, तो इसलिए आपका हो जाएगा इसका एग्जाम्पल में
लेंथ, टाइम, इट्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जैसे देखा था, ये स्क्वायर देखा था हम लोगों ने, तो इसमें क्या है, एक लेंथ यूज हुआ है, इधर से भी लेंथ ही यूज हुआ है एक्चुअल में। तो क्या हुआ, दो लेंथ से मिल करवाना हुआ है, तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज हुआ। फिर हम लोग ले लेते हैं इसमें वॉल्यूम, जैसे ये हो गया, ये बेसिकली क्या से बना बना हुआ है, एक लेंथ इधर हो गया, एक लेंथ ये हो गया, एक लेंथ था इसका हाइट हो गया, ये तीन थ्री लेंथ से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो डिराइव क्वांटिटीज है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इज नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसमें हम लोग देख लेंगे क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका वॉल्यूम, स्पीड, इट्स। स्पीड आपका कैसे हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि जब कोई लेंथ होता है, जैसे कोई डिस्टेंस होता है, एक किलोमीटर जैसे इसका डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ हम लोग को पहुँचने में 1 घंटा लगा, 1 आवर लगा हम लोग को। तो ये क्या हो रहा है, 1 आवर, आवर यानी टाइम। तो टाइम क्या हो गया आपका, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक हो गया आपका लेंथ यानी डिस्टेंस, वो आपका हो गया दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल करके आपका स्पीड बना हुआ है कि 1 किलोमीटर पर आवर। आपका स्पीड क्या हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड जो आपका हुआ डिराइव क्वांटिटीज हो गया, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होता है। तो गाइज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं आपके 7 टाइप के होते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडा मेंटल क्वांटिटीज। इसमें आपका आ जाएगा पहला, इधर देख लेंगे हम लोग, क्वांटिटी इसका इसका यूनिट। तो पहला आपका हो जाएगा लेंथ, इसका यूनिट हो जाता है आपका मीटर। सेकेंड आपका हो जाएगा मास, मीटर। मास मास का आपका हो जाएगा केजी, किलोग्राम। थर्ड आपका हो जाएगा टाइम, टाइम का आपका हो जाएगा सेकंड। फोर्थ आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आपका हो जाता है एम्पियर। थर्ड आपका हो जाएगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। फिर आपका हो जाएगा
सिक्स्थ आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे कि इसको हम लोग नापते हैं मोल से। और आपका सेवन हो जाएगा, सेवन आपका हो जाएगा क्या, सेवन आपका हो जाएगा लुमिनस, तो इसका आपका यूनिट हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी का कंडेला सीडी। तो इस प्रकार आपका था सेवन टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज।